वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL और साईपैड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो नई दिल्ली की द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और LG अनिल बैजल द्वारा साइबर रोकथाम जागरूकता और जांच के लिए साईपैड केंद्र और राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब NCFL का हाल ही में उद्घाटन किया है। और स्कूली छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक लोकप्रिय ट्विटर हैंडल @SaiberDost भी शुरू किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भारत की पहली हाई टेक फॉरेंसिक लैब कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली पे, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर देखिए दिल्ली की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन सन 1991 द्वारा NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम घोषित किया गया था। और दिल्ली के बारे में आपको दो करंट अफेयर की पॉइंट भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वार्षिक बैठक अभी हाल ही में दिल्ली में ही आयोजित की गई और दिल्ली में ही राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल संस्थान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 20 फरवरी, ऑप्शन डी सही होगा। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विषय है यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2019 का जो विषय है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष का विषय है इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, राइट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ष का विषय है इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष न्याय के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा में इस दिवस की घोषणा की थी, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने किस राज्य में इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए KJ अल्फोंस जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने केरल के वासनम में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत डेवलपमेंट ऑफ इको सर्किट पठानवीम परियोजना का उद्घाटन किया है। और इस इको सर्किट परियोजना को दिसंबर 2015 में 76.55 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। और परियोजना के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में वागामन को इको एडवेंचर टूरिज्म पार्क स्थापित करना और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना शामिल है, राइट। यहाँ पर देखिए केरल की बात की तो आपको पता होना चाहिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की CM है पिनाराई विजयन और गवर्नर है P Sadasivam। केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 140 सीटें आती हैं। और यहाँ पर पेरियारण्य अभ्यारण्य है और साइलेंट वैली भी है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली, ठीक है। और केरल के बारे में आपको दो करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए, हाल ही में आध्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्घाटन केरल राज्य में ही किया गया है और केरल राज्य पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 में सबसे सुशासित राज्य रहा है, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश बन गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति अल्वा ओसाद द्वारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका अनावरण किया गया था। और ये कदम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा पर अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि ये देश
इस सौर गठबंधन का सदस्य बने। ठीक है, यहाँ पर देखिए सऊदी अरब की बात की तो मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद और वहाँ की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है GC अनुपमा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए डॉक्टर GC अनुपमा देश की पहली महिला बनी है जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का अध्यक्ष चुना गया है और वो वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में डीन और वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और वो वर्ष 2000 में युवा वैज्ञानिकों के लिए सर CV रमन पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी रही हैं। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने 2 नए जिलों जिनके नाम है नारायणपेट और मुलुगु के निर्माण की घोषणा की है? तो ये जो 2 नए जिले हैं वो किस राज्य में बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी सही होगा। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में 2 नए जिलों नारायणपेट और मुलुगु के निर्माण की घोषणा की है और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी राज्य में जिलों की जो संख्या है वो है 33 और नारायणपेट को महबूबनगर जिले और मुलुगु को जयशंकर भूपापल्ली जिले से अलग करके बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब तेलंगाना को तत्कालीन आंध्र प्रदेश से जो कि 2 जून 2014 को अलग किया गया था तब उसमें केवल 10 जिले थे और वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है और अब 2 जिले और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तेलंगाना की बात की गई तो आपको तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है ESL नरसिम्हन और इस राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और यहाँ की लोकसभा से 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 119 सीटें आती हैं। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की विधानसभा ने संस्कृत भाषा को उस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है? तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा, और मैं आपको बता दूं इसकी जो पहली आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, तो दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को चुनने के लिए एक राजभाषा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है और इस राज्य ने यानी कि इस राज्य की विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय भी अभी हाल ही में रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ की CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ की लोकसभा से 4 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 68 सीटें आती हैं और इस राज्य की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को हुई थी। इसके बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट में मैं आपको बता दूं, इस राज्य में अभी हाल ही में गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई है और इस राज्य में ही अभी हाल ही में सशक्त महिला योजना भी लागू हुई है। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रख्यात हिंदी लेखक प्रोफेसर नामवर सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है उनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए उनका हाल ही में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हुआ है और वो JNU के भारतीय भाषा केंद्र के पहले अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं जिनमें कविता की नई प्रतिमान, छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज भी शामिल है और उन्हें वर्ष 1971 यानी कि 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्यिक समालोचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अशोक दिलवाली, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल विभाग के जो राज्य मंत्री हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार है राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक समारोह में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए और व्यावसायिक श्रेणी का
जो विषय रहा है वो वुमन लेड डेवलपमेंट था, जबकि अमेच्योर श्रेणी का जो विषय था वो था फेयर सैंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसमें कुल 13 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा पुरस्कार था वो यही था, कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो मिला है अशोक दिलवाली को। और इस अवार्ड के तहत कुल 3 लाख रुपए का इसमें नकद पुरस्कार भी शामिल था। ठीक है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है वो श्री SL शांत कुमार को मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 9th क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रेशम क्षेत्र के विकास के लिए कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है, हाल ही में कुल 4 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेशम क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर पूर्व में कुल 4 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। और उन्होंने तुसा मेघालय की मुगा सिल्क सीड उत्पादन केंद्र और अगरतला में रेशम छपाई और प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और कन्नूर जो कि केरल में है, उनमें बुनकर सेवा केंद्रों की नए कार्यालय भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 19 फरवरी 2019 को कालिया योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया है। और कालिया छात्रवृत्ति या कालिया छात्रावृत्ति ये सुनिश्चित करेगी कि कालिया लाभार्थियों के प्रत्येक योग्य बच्ची को उसके सपने को पूरा करने से वंचित ना किया जाए। और राज्य सरकार पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क और मैस शुल्क सहित सभी खर्चों का वहन करेगी और इस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओडिशा की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ, ओडिशा का जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं। और इस राज्य का जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस राज्य में ही हीराकुंड बांध है, चिल्का झील है और इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। इसके बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भी इसी राज्य में आयोजित किया गया है और इसी राज्य में अभी हाल ही में हॉकी विश्व कप जो कि पुरुष संस्करण के 14वें संस्करण का हाल ही में समापन हुआ है। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में न्याय बंधु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो ऐप लॉन्च किया है वो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो श्री रविशंकर प्रसाद ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन को, इसके डैशबोर्ड को हाल ही में लॉन्च किया है और ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ऑन ग्राउंड मामले में प्री रजिस्ट्रेशन की प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। और ये एक प्री बोनो ऐप है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधा के माध्यम से लाभार्थी और पैनल के वकील के बीच ऑनलाइन इंटरफेस को सक्षम बनाते हुए डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया है। यानी कि इस तरह से न्याय व्यवस्था में कुछ और नई क्रांति आने की उम्मीद है। राइट, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कल ही कुछ का आंसर तो कल आपसे पूछा गया था, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र तीसरा बड़ा संभाग बना है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप की एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर समय पर PDF मिलती रहे। और अगर आपने CTET परीक्षा का पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 8 वीडियो नहीं देखा है तो इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।